हेलो गाइस, अगर आप यहाँ पे गूगल पिक्सल 6a खरीदने के चक्कर में हैं यहाँ पे और सेल चल रही है, और अगर आपको सिर्फ पिक्सल का फोन ही लेना है, 6a लेना है, 6 6 प्रो, 7 7 प्रो या जो भी लेना है, तो ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं एक हेल्प करेगी। प्लस अगर आपको सिर्फ गूगल पिक्सल 6a ही लेना है, तो शायद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ी एक चीज मैं बता दूं कि आपको ज्यादातर वीडियोस बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी और एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाने की वाली ही बनी हुई है। मैं भी जब ले रहा था तो बहुत ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा माइंड चेंज मेरा हो गया था वीडियोज देख के, लेकिन फाइनली आफ्टर यूजिंग इट फॉर 15 डेज मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पे, मुझे कुछ अपडेट्स भी आए हैं, तो क्या सारे इश्यूज रहे हैं, क्या ये फोन अच्छा है, वर्थ इट है या नहीं है, और फ्लिपकार्ट सेल में अभी कितने का ये मिल रहा है, क्या वर्थ इट है लेना या नहीं है। सो मेरा नाम है जुबैर, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद जुबैर, और आज की इस वीडियो में यही सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या गूगल पिक्सल 6a 2023 में लेना 30,000 के अंदर वर्थ इट है या नहीं है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीजें बहुत ही क्विक लेना चाहूंगा और कुछ चीजें यहाँ पे डिटेल्ड में बात करना चाहूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से लोग गूगल पिक्सल 6 से लेना चाहते हैं। तो पहले हम जो छोटी चीजें हैं उनको कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आ जाता हूँ इसकी डिजाइन पे। तो ये आपको सेम डिजाइन मिल जाती है गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो के जैसे जो प्रीमियम फ्लैगशिप है, और 7 7 प्रो के हद तक आपको मिल जाते हैं, बस कैमरा रिंग की अगर बात अलग कर दूं मैं तो। तो बिल्ड में काफी ठीक है, जो ये पीछे प्लास्टिक की बैक बोलते हैं इट डजेंट मैटर अलॉट, मुझे कोई ये बॉदर नहीं करता है इतना, क्योंकि ये ग्लास ही लगता है। इसके अलावा अगर मैं फ्रंट डिस्प्ले की यहाँ पे आपको बात कर लूँ तो 6.1 इंच की ओलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो काफी कलर्स में अच्छी है। बस 60 हर्ट्ज है, लेकिन मैं सच बता दूं अगर आप एंड्रॉइड दूसरा चलाते थे 60 हर्ट्ज का या इवन 90 हर्ट्ज का, तो आपको इतना बॉदर नहीं करेगा, आप यूज टू हो जाएंगे यहाँ पे। मैं भी 120 हर्ट्ज से यहाँ पे 60 हर्ट्ज में आया, लेकिन आफ्टर 10 डेज यहाँ पे मैं यूज टू हो गया, मुझे कोई भी इशूज देखने को नहीं मिले। सो बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले के मामले में बोलूंगा कि मुझे कोई भी यहाँ पे कंप्लेंट नहीं है, ब्राइट इनफ है, आप डायरेक्ट सनलाइट में आराम से देख सकते हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इशू देखने को मिले। बाकी डिस्प्ले और यहाँ पे डिजाइन के मामले में ओके बोलना चाहूंगा, कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट सबसे मेन चीज आपको कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट लेना है, क्योंकि अगर मैं इसकी कंपैरिजन 1 लाख के आईफोन से करने लगूं तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट, यहाँ पे डिजाइन डिस्प्ले में ओके, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ पे दूसरी चीज में आ जाऊं यहाँ पे जो कि काफी लोगों के लिए मैटर करती है इतनी प्राइसिंग में, तो वो है इसका परफॉर्मेंस। तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको यहाँ पे गूगल का टेंसर G1 चिप मिल जाता है, टेंसर 1, और ये जनरेशन 1 चिप, और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं यहाँ पे सैमसंग ने ही इसका गूगल का जो चिप है वो बनाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज में अंडर 30,000 रुपीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अबव एवरेज है, एक्सीलेंट नहीं बोलूंगा, अबव एवरेज है। आपके जितने भी डे टू डे टास्क है वो सारे तो कर देगा, लेकिन गेमिंग वगैरह के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इवन वीडियो एडिटिंग मैंने इसमें 4K पे की हुई है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इश्यूज होते हैं 4K 60 फ्रेम्स पे जब आप इस पे वीडियो एडिट करते हैं, लेकिन रेंडर कर देता है, सारी चीजें हो जाती हैं। और एक चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है, मैं कुछ जो इसके कॉन्स है वो लास्ट में बताना चाहूंगा जो मैंने नोटिस किए हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो परफॉर्मेंस वाइज में अंडर प्राइस पॉइंट जो ये प्राइस पॉइंट है मुझे बढ़िया लगा है, फोन कोई भी इशू देखने को इसमें नहीं मिला है। अब एक चीज मैं और बता दूं इस फोन की जो कि बहुत लोगों को मैटर करती है, जो कि है बैटरी। बैटरी और चार्जिंग के बारे में हम बात कर ले तो बैटरी यहाँ पे आपको 4400 mAh मिल जाती है, जो कि आपका सुबह से लेकर शाम तक, अगर आप एक ऑफिस गाई है तो आपका बहुत ही अच्छे से पूरा दिन चलेगा, और अगर आप नॉर्मल घर पे वाले गाई है तो ये फोन आपको एक बार चार्ज करना पड़ जाएगा अराउंड 6 7 PM के, अगर आप 9 10 बजे सुबह उठते हैं तो। प्लस जो थोड़ा सा इरिटेटिंग पॉइंट है वो चार्जिंग का है, क्योंकि इसकी चार्जिंग काफी स्लो है, 18 वॉट लिमिटेड है, और इस पे आपको मैंने चार्जिंग टेस्ट किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, जरूर जाके वो वीडियो देखें। और उस पे मैंने बहुत ही सस्ता टाइप सी बेस्ट अडेप्टर बताया हुआ है जो कि काफी अच्छे ब्रांड का है और अंडर 400 रुपीज का है वो, तो आप जाके देख लें, क्योंकि गूगल यहाँ पे हमें अडेप्टर नहीं देता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो वीडियो जरूर चेकआउट करें ऊपर जाके। तो थोड़ा सा चार्जिंग में यहाँ पे थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है अगर आप फास्ट चार्जिंग से वापस आ रहे हैं इसमें तो। इसके अलावा बाकी बैटरी में कोई ज्यादा इशू नहीं है, बहुत अच्छे से चल जाती है अदर कंपटीटर के एंड ऑल। अब इसके अगर मैं एक मेन फैक्टर की बात कर लूं वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, और लेट मी टेल यू समथिंग कि जो लोग इस गूगल पिक्सल को अडॉप्ट करते हैं, गूगल पिक्सल की ओर आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है
कैमरा एंड सॉफ्टवेयर। तो पहले यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, तो अभी मैं बता दूं कि इस पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आते हैं, और अभी एक अपडेट आया था तो कुछ कुछ जो इश्यूज देखने को मुझे मिल रहे थे वो रिजॉल्व हो गए थे इस फोन में। और इस पे आपको 3 से 4 साल की गूगल आपको अपडेट देगा, तो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, तो 14, 15, 16 तक आपको बहुत ही आराम से यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं इस फोन पे। प्लस आपको यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी पैचेस हैं और भी अपडेट्स हैं वो 5 साल तक देखने को मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर वाइज में एप्पल के बराबर ही आप समझो कि आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। तो सॉफ्टवेयर वाइज में बहुत ही क्लीन एक्सपीरियंस है, आप देखना चाहेंगे इस पे, और बहुत ही स्टॉक एंड्रॉइड है और काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो मुझे उसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है इस फोन में। और एक चीज मैं और बता दूं कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे फिंगरप्रिंट से इशू था और यहाँ पे, तो मैं बता दूं मैंने जिस दिन से यूज कर रहा हूँ अप्रॉक्स 15 डेज हो गए हैं और मुझे एक भी बार भी यहाँ पे फिंगरप्रिंट में इशू देखने को नहीं मिला है इस फोन में। और फिंगरप्रिंट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, जब स्टार्टिंग में ये फोन आया था और स्पेशली गूगल पिक्सल 6 एंड 6 प्रो में तो बहुत ही ज्यादा फिंगरप्रिंट का इशू था, तो वो तो रिजॉल्व हो गया, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। पता नहीं लोग क्यों इतना ज्यादा इसको गिमिकी कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे फाइनली बात कर लें तो वो है कैमरास की। तो इस पे आप अगर देख सकते हो तो कैमरा यहाँ पे टू रियर कैमराज आ जाते हैं, एक आपका वाइड और एक आपका अल्ट्रा वाइड, दोनों यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल के कैमराज मिल जाते हैं। प्लस आपको यहाँ पे फ्रंट में सेल्फी शूटर मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का। तो मैं आपको सबसे पहले फ्रंट कैमरा का बता देता हूँ कि ये 8 मेगापिक्सल कैमरा है जो कि वीडियो रिकॉर्ड 1080p 30 फ्रेम्स मैक्सिमम करता है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है, डे लाइट में अच्छी लाइट में बहुत अच्छी शूट कर देता है। और फोटोज की अगर मैं बात कर लूँ तो फोटोज काफी डिसेंट आती हैं यहाँ पे अच्छी सनलाइट में, और थोड़ा सा डार्क एरियाज में इतनी अच्छी नहीं आती हैं। तो फॉर फ्रंट कैमरा इट इज एवरेज फॉर दिस प्राइस रेंज। बट अगर मैं रियर कैमरा की बात कर लूँ तो गूगल ये वही जो सेंसर है सोनी का वो ही यूज कर रहे थे पिछले लास्ट 3-4 साल से, और ये इतना ज्यादा हाईली ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है कि ये बहुत ही अच्छी फोटोज खींचता है। इवन अगर आपने MKBHD का यहाँ पे ब्लाइंड कैमरा टेस्ट देखा है तो गूगल पिक्सल 6A उसका विनर है, तो यू कैन इमेजिन कि $1500 $2000 के यहाँ पे फोन फेल हो गए हैं गूगल पिक्सल 6A की ऑप्टिमाइजेशन के सामने। तो यहाँ पे फोटोज बहुत ही अच्छे लेता है, चाहे वो नाइट में हो, चाहे वो डे में हो, चाहे पोर्ट्रेट शॉट्स हो, चाहे पैनोरामा शॉट्स हो, चाहे जो भी शॉट्स हो, बहुत ही अच्छे तरीके से लेता है। मैं आपको अभी सैंपल शॉट्स भी दिखाऊंगा यहाँ पे इसके बैक कैमरा से। अल्ट्रा वाइड की यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो अल्ट्रा वाइड ओके है इस प्राइस रेंज में, जो कैमरा अल्ट्रा वाइड में फोटोज लेते हैं उससे लाख गुना अच्छी फोटोज है। तो अगर मैं कंसीडर करना चाहूँ यहाँ पे फोटोज के लिए ओनली, ये फोन अंडर 30,000 28-29 के आसपास, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन फॉर कैमराज। अब कैमरा के साथ में फोटोज के साथ में एक चीज और हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है वीडियो। तो वीडियो ये आपकी 4K 60 फ्रेम्स मैक्सिमम यहाँ पे शूट कर सकता है रियर कैमरा से, और स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी है, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। क्वालिटी वाइज बात कर लूँ तो मैं वही बात हर बार बोलता हूँ कि नंबर वन पे यहाँ पे आईफोन है वीडियोज में, सेकंड नंबर पे सैमसंग और थर्ड नंबर पे यहाँ पे गूगल आ जाता है। लेकिन अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो मुझे ज्यादा डिफरेंस आईफोन चाहे सैमसंग चाहे गूगल हो डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, इवन इन वीडियोस 4K 60 हो चाहे 1080 पे हो कोई भी ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इसको नाइट में शूट कर रहे हैं तो हम डिफरेंस देख पाते हैं आईफोन सैमसंग और गूगल में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
गाइस गुड मॉर्निंग। और दोस्तों हम यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में हैं फिलहाल। सो गाइस फाइनली वी आर गोइंग टू ऑटो एक्सपो इंडिया और पहुँचने ही वाले हैं, यहाँ पे पास में ही है। तो अगर मैं कंसीडर करना चाहूँ इस फोन को 28-29,000 रुपीज, जो कि अभी फ्लिपकार्ट में ये 28,000 रुपीज में विद ऑल ऑफर्स अवेलेबल है, तो क्या आपको इसको 28,000 में 2023 में लेना चाहिए, जहां पे आपके पास ऑप्शंस है नथिंग फोन 1 का, अब यहाँ पे Realme 10 Pro Plus प्लस Redmi Note 12 Pro Plus, तो काफी अच्छे अच्छे फोन्स 120 हर्ट्ज के साथ में, स्टाइलिश न्यू सेंसर्स के साथ में यहाँ पे फोन आ रहे हैं इसी प्राइस रेंज में, तो क्या आपने उसके लिए जाना चाहिए या गूगल के लिए जाना चाहिए? तो मैं आपको यहाँ पे तीन चीज बोलूंगा, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, गिमिकी नहीं करूंगा सबके तरीके, गिमिकी नहीं करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। अगर आप एक बेस्ट कैमरा फोन देखना चाहते हैं विद बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग अंडर 30,000 रुपीज, प्लस एक आपको एक कॉम्पैक्ट साइज चाहिए है, क्योंकि साइज मैटर करता है, क्योंकि किसी को बड़े फोन्स पसंद होते हैं, तो यहाँ पे अगर एक साइज आपको कॉम्पैक्ट साइज पसंद है 6.1 इंच स्क्रीन, प्लस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको गूगल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस चाहिए है, और एक जो ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस होता है वो चाहिए है, प्लस आपको यहाँ पे एक यूनिक लुक चाहिए है। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये फोन मैंने जितने बार भी बाहर निकाला है तो हर किसी ने ये जरूर पूछा है कि ये कौन सा फोन है, इट्स लुकिंग सो ग्रेट, इतना लोग आईफोन को भी नहीं देखते जितना यूनिक लुक ये इंडिया में इस टाइम ले रहा है, और इंडिया में काफी डिमांड इसकी बढ़ रही है। सो कंसीडरिंग दीज पॉइंट्स मैं बिल्कुल बोलूंगा कि 28,000 रुपीज में ये बिल्कुल वर्थ इट है फोन। लेकिन अगर आपको ये फोन 33-34,000 का मिल रहा है, डोंट गो फॉर इट, 28-29 इज द बेस्ट प्राइस फॉर इट, इसके नीचे मिल रहा है तो और भी अच्छी बात है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। प्लस एक चीज और बता दूं, आपके पास Realme 10 Pro Plus, Redmi Note 12 Pro Plus, इनके भी ऑप्शन है, नथिंग फोन 1 इनके भी ऑप्शन है, और अगर कैमरा में बात कर लूं तो अगर मैं इसको 10 में 9 रेट करूंगा तो यहाँ पे मैं Redmi को 8 करूंगा, Nothing को मैं यहाँ पे 8 करूंगा, और Realme को यहाँ पे 6.5 करना चाहूंगा रेट, और इसको मैं 9.5 रेट करना चाहूंगा ओवरऑल। और ओवरऑल फोन की बात अगर हम करें, डिस्प्ले को भी मिला के, सारी चीजों को भी मिला के, तो मे बी आपको Nothing फोन 1 और Realme और Redmi ज्यादा बेटर लगे अगर आप कैमराज उतने कंसिडर नहीं करते हैं। सो अगर आपको फोन चाहिए विद गेमिंग के लिए, बड़ा फोन चाहिए, तो आप वो ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो मैंने तीन पॉइंट्स बोले वही सेंट्रिक है, आपके मेन है, तो आप गूगल के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और 2023 में ये बिल्कुल वर्थ इट है, 2 साल इस फोन को आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से चला सकते हैं, होल 2023-2024, मे बी अगर आपका मन है पैसे हैं तो 2025 में आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो 3 साल भी आप इस फोन को चला सकते हैं अगर आपका कोई बहुत ज्यादा हैवी यूसेज नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, क्योंकि सर्विस सेंटर का बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट रहता है, तो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो, क्योंकि गूगल का कोई भी यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है पूरे इंडिया में, तो अगर आपके फोन को कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, तो आपको ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हम किसी दूसरी वीडियो में कभी बात करेंगे, तो बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे भेजना पड़ता है, तो उस वीडियो के लिए जरूर स्टे ट्यून्ड रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, क्योंकि उस वीडियो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और भी बहुत सारी वीडियो में बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको पिक्सल 6 से रिलेटेड क्या वीडियोस चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एंड एट लास्ट एक चीज और पॉइंट बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी वीडियोस में ये बताया गया कि ये फोन बहुत ज्यादा हॉट होता है या सारी चीजें होती हैं, तो मैं बता दूं ये अदर फोन के कंपैरिजन में यूजुअली वार्म होता है, नॉर्मल यूसेज में भी ये वार्म होता है, बट इट्स नॉट हॉट, वार्म होता है लेकिन हॉट नहीं इतना ज्यादा होता है, तो दैट इज ओके। बट आप जब वीडियो एडिटिंग करते हैं 4K एंड ऑल में, तो मैंने देखा कि बैटरी बहुत तेजी से गिरती है, लाइक अगर 10 मिनट्स रेंडरिंग कर रहा है तो 10-12% यहाँ पे बैटरी डाउन हो जाती है, तो ये थोड़े थोड़े मुझे कॉन्स देखने को मिले। और सॉफ्टवेयर बग्स भी अभी यहाँ पे है, ये जो वर्जन चल रहा है इस पे, तो सॉफ्टवेयर बग्स भी देखने को मुझे यहाँ पे मिले हैं। प्लस एक और इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे 5G का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसमें 5G रोल आउट नहीं किया है गूगल ने और सारी कंपनीज ने इंडिया में कर चुके हैं, तो उस वीडियो के लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि गूगल कब रोल आउट करने वाला है इंडिया में 5G और कितने बैंड्स ये सपोर्ट। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई अगर डाउट्स आपके रह गए हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि पिक्सल 6 से रिलेटेड और भी सारी वीडियोस यहां पे आने वाली हैं जो आपके डाउट्स क्लियर करेंगी। और एक सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो जरूर एक बार लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। और अगर आप पिक्सल 6 के फैन है या पिक्सल की किसी भी फोन के फैन है, तो ड्रॉप अ कमेंट कि आपको पिक्सल के बारे में क्या पसंद है, और पिक्सल में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको मुझसे पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।